ज़ॉम्बी हॉरर स्टोरी पार्ट 3 देखने से पहले इसके बाकी पार्ट जरूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था गुल्ली बुल्ली शॉन को बचाने के लिए उस बिल्डिंग पर पहुंच जाते हैं और गुल्ली को पास में पड़ी हुई गेट की चाबी भी दिख जाती है, जिससे गुल्ली बुल्ली गेट खोलकर अंदर जाने लगते हैं। अंदर आते ही बुल्ली को वो काउंटर दिखता है जिसके बारे में शॉन ने बताया था। बुल्ली काउंटर के पास आता है और काउंटर के ऊपर चढ़कर अंदर झांकने लगता है, लेकिन बुल्ली को अंदर शॉन नहीं दिखाई देता है। बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली शॉन यहाँ पर नहीं है, कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तभी गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, शायद शॉन ज़ॉम्बी से बचकर कहीं और छुप गया होगा, हमें शॉन को आगे चलकर ढूंढना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली आगे की तरफ जाने लगते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को सामने से आते हुए दो ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। अब आगे ज़ॉम्बीज को आता देखकर गुल्ली बुल्ली दीवार के पीछे आकर छुप जाते हैं और ज़ॉम्बीज के पास आने का इंतजार करने लगते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी बगल वाले कमरे में चला जाता है और अब एक ही ज़ॉम्बी गुल्ली बुल्ली की तरफ आ रहा है। गुल्ली कहता है, गुल्ली तैयार हो जाओ अपनी हथौड़ी से ज़ॉम्बी का सर कुचलने के लिए। गुल्ली कहता है, हाँ बुल्ली मैं तैयार हूँ, बस ज़ॉम्बी को पास आने दो। ज़ॉम्बी के पास आते ही बुल्ली अपने डंडे से ज़ॉम्बी के सर पर मारता है, जिससे ज़ॉम्बी जमीन पर गिर जाता है और गुल्ली अपनी हथौड़ी से ज़ॉम्बी के सर पर तबला बजाने लगता है। गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी को मार मार कर इसकी हड्डी पसली एक कर देती है। काफी देर ज़ॉम्बी को मारने के बाद जब गुल्ली बुल्ली को ये लगने लगता है कि ज़ॉम्बी अब गहरी नींद सो चुका है, तब गुल्ली बुल्ली से कहता है, चलो बुल्ली हम कमरे वाले ज़ॉम्बी को भी ठिकाने लगा देते हैं, वरना वो आगे चलकर हमें दिक्कत देगा। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे में जाने लगते हैं जिसमें दूसरा वाला ज़ॉम्बी गया था। कमरे में आते ही गुल्ली बुल्ली को वो ज़ॉम्बी अपने सामने ही खड़ा हुआ दिख जाता है। तभी बुल्ली की नजर एक नुकीले डंडे पर पड़ती है, तो बुल्ली अपने ये दोनों डंडे छोड़कर ये नुकीला डंडा ले लेता है। और फिर गुल्ली बुल्ली ज़ॉम्बी को ठिकाने लगाने के लिए इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ज़ॉम्बी जब गुल्ली बुल्ली को हथियार समेत अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो ये अजीब अजीब सी आवाजें निकालना चालू कर देता है। ज़ॉम्बी की ये हरकत देखकर बुल्ली ये समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी आवाज लगाकर बाकी ज़ॉम्बी को भी इधर ही बुला रहा है। तभी बुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी से गेट बंद करो। गुल्ली सही टाइम पर गेट बंद कर देता है, वरना सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ सकते थे। सारे ज़ॉम्बीज गेट के बाहर ही आ चुके हैं और दो ज़ॉम्बीज गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। गुल्ली गुल्ली का ध्यान बाहर वाले ज़ॉम्बीज की तरफ चला जाता है और ये अपने सामने वाले ज़ॉम्बी के बारे में तो भूल ही जाते हैं। ज़ॉम्बी बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन बुल्ली का ध्यान तो ज़ॉम्बी की तरफ है ही नहीं। ज़ॉम्बी बुल्ली के ऊपर हमला करने ही जा रहा था, लेकिन तभी गुल्ली ज़ॉम्बी को देख लेता है और चिल्लाकर बुल्ली को बताता है, बुल्ली पीछे देखो। बुल्ली पीछे मुड़कर अपने हाथ वाला डंडा ज़ॉम्बी के घुसा देता है। इससे ज़ॉम्बी का खेल खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी बाहर काफी सारे ज़ॉम्बीज खड़े हुए हैं जो कि किसी भी वक्त गेट तोड़कर अंदर आ सकते हैं। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली हम लोग बहुत ही गलत जगह पर फंस गए हैं, यहाँ से ना तो हम खुद बच सकते हैं और ना ही शॉन को बचा सकते हैं, हमें यहाँ से बाहर निकलने की कोई जुगाड़ बनानी होगी। तभी बुल्ली कहता है, गुल्ली तुम बिल्कुल मत घबराओ, शायद ज़ॉम्बीज यहाँ से जा सकते हैं अगर हम थोड़ी शांति बनाकर रखें, हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली शायद ज़ॉम्बीज जा चुके हैं, देखो कितना सन्नाटा हो गया है, चलो अब बाहर चलते हैं। बुल्ली कहता है, नहीं गुल्ली, मुझे ये सन्नाटा कुछ ठीक नहीं लग रहा है, पहले मैं यहाँ से बाहर देख लेता हूँ।
यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। गुल्ली बुल्ली को जल्दी ही बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा, इससे पहले कि ज़ॉम्बीज अंदर आ जाएं। जल्दी ही गुल्ली को ऊपर लगी जाली दिख जाती है। गुल्ली गुल्ली को बुलाता है और उसे कहता है, देखो गुल्ली, हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। तभी गुल्ली पास में रखी हुई टूटी कुर्सी को खिसकाकर जाली के नीचे लगा देता है और गुल्ली से कहता है, देखो गुल्ली, अब हम ऊपर चढ़ सकते हैं, तुम ये कुर्सी पकड़ो, मैं ऊपर चढ़ता हूँ। फिर गुल्ली ऊपर चढ़ने लगता है। गुल्ली बुल्ली को यहाँ से बहुत जल्दी ही निकलना होगा, क्योंकि ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त गेट तोड़कर अंदर आ सकते हैं। गुल्ली ऊपर चढ़ जाता है और अब गुल्ली ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तभी गुल्ली को पीछे से गेट टूटने की आवाज सुनाई देती है। जिसे सुनकर गुल्ली का हाथ स्लिप हो जाता है और गुल्ली सीधे कुर्सी पर आकर गिरता है, जिससे कुर्सी टूट जाती है। गुल्ली जब पीछे मुड़कर देखता है तो गेट टूटा पड़ा था और ज़ॉम्बीज अंदर आ चुके थे। ज़ॉम्बीज को देखकर गुल्ली की हालत खराब हो जाती है और गुल्ली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो ऊपर कैसे चढ़े, क्योंकि कुर्सी तो टूट चुकी है और ज़ॉम्बीज गुल्ली के पास में ही आ चुके हैं। तभी गुल्ली चिल्लाकर गुल्ली से कहता है, गुल्ली जल्दी मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। गुल्ली ये सुनते ही सीधे गुल्ली के हाथ की तरफ छलांग लगा देता है, मगर ये क्या, एक ज़ॉम्बी ने गुल्ली का पैर पकड़ लिया है। लेकिन गुल्ली अपना दूसरा पैर ज़ॉम्बी के मुंह पर मार मार कर इसका मुंह लाल कर देता है, जिससे गुल्ली ज़ॉम्बी के हाथ से छूट जाता है और गुल्ली बुल्ली को ऊपर खींच लेता है। गुल्ली बुल्ली ऊपर आकर ये समझ रहे थे कि अब ये ज़ॉम्बी से बच गए हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी इतनी जल्दी कहाँ हार मानने वाले थे। ज़ॉम्बीज गुल्ली बुल्ली के पीछे ऊपर चढ़ने लगते हैं। तभी गुल्ली गुल्ली से कहता है, गुल्ली देख क्या रहे हो, जल्दी यहाँ से चलो, ज़ॉम्बीज ऊपर आ रहे हैं। सारे ज़ॉम्बीज ऊपर चढ़ाते हैं और गुल्ली बुल्ली के पीछे आने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली ऊपर आ तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर छुपने की तो कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि सारे गेटों पर तो ताला डला हुआ है। लगता है ये किसी तरीके की खुफिया जगह है। गुल्ली बुल्ली एक जाली वाले गेट के पास आ जाते हैं, लेकिन इस गेट पर भी ताला डला हुआ है। तभी गुल्ली कहता है, गुल्ली जल्दी से अपनी हथौड़ी से ताला तोड़ दो, ज़ॉम्बीज हमारी तरफ ही आ रहे हैं। तभी गुल्ली अपनी हथौड़ी से ताला तोड़ देता है और गुल्ली बुल्ली अंदर आकर गेट को बंद कर लेते हैं। अंदर आकर गुल्ली बुल्ली को लग रहा है कि ये बच गए हैं, लेकिन ये तो अलग ही मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज बाहर ही गुल्ली बुल्ली का इंतजार करने लगते हैं कि कब ये बाहर आए और हम इनका स्वागत कर दें। ज़ॉम्बीज बाहर ही बैठ जाते हैं। तभी गुल्ली बुल्ली को एक जाना पहचाना ज़ॉम्बी दिखाई देता है। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये तो शॉन है, लेकिन ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया। गुल्ली कहता है, गुल्ली शायद शॉन ज़ॉम्बीज के हाथों पकड़ा जा चुका था और अब शॉन भी ज़ॉम्बी बन चुका है। गुल्ली कहता है, गुल्ली अब हम शॉन को कैसे बचाएंगे। गुल्ली कहता है, गुल्ली हम शॉन को तो तब बचा पाएंगे जब हम खुद बचेंगे। तो दोस्तों, अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, क्या गुल्ली बुल्ली यहाँ से बचकर निकल पाएंगे और आखिर गुल्ली बुल्ली शॉन को कैसे बचाएंगे, क्योंकि अब शॉन तो ज़ॉम्बी बन चुका है। अब क्या होगा गुल्ली बुल्ली और शॉन का, ये सब हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल सके।